नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फोरम त्रिवेदी पाठक और मैं एक कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट और सीबीटी स्पेशलिस्ट हूँ। आप सबको मेरी तरफ से अंतर्राष्ट्रीय स्तनपान सप्ताह की ढेर सारी शुभकामनाएं, आप और आपके परिवार को, सभी को, क्योंकि आप सब एक स्वस्थ समाज की रचना का बहुत ही बड़ा हिस्सा हो। अब आज एक हेल्थ प्रोफेशनल होने के नाते मैं आपके साथ थोड़े ब्रेस्ट फीडिंग के साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी शेयर करना चाहूँगी। तो फिजिकल बेनिफिट्स तो आपको पता ही है, लेकिन साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स में सबसे पहले तो ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन जो माता में बनता है ब्रेस्ट फीडिंग करते वक्त, वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन यानी कि डिलीवरी के बाद के डिप्रेशन को कंट्रोल करने का एक नेचुरल जरिया होता है। माता को स्तनपान करने से ना ही केवल ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर, लेकिन डायबिटीज, स्ट्रेस, डिप्रेशन, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पोस्टपार्टम साइकोसिस जैसी मानसिक और शारीरिक बीमारियों से लड़ने की एक अपॉर्चुनिटी बॉडी नेचुरली प्रोवाइड करता है और एक नेचुरल सुरक्षा मिलती है। आज हमारा समाज दो प्रकार की आइडियोलॉजीज में विभाजित हो चुका है, जो ब्रेस्ट फीडिंग को टोटली सपोर्ट करते हैं, जो उसके अगेंस्ट है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी माता ब्रेस्ट फीड करने का डिसीजन ले या ना ले, उसकी ममता में कोई भी कमी नहीं आती। बट अगर एक नेचुरल प्रोसेस जिसकी वजह से आपके बच्चे को इम्यूनिटी मिल रही है, और स्पेशली आज कोरोना वायरस का एक जो पैंडेमिक का टाइम है जहाँ पे हम रोग प्रतिकारक शक्ति की बात कर रहे हैं, तो आपके बच्चे की रोग प्रतिकारक शक्ति में आप किसी भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट किए बिना बढ़ावा कर सकते हैं, देन वाई नॉट। और रही बात साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स की, तो आपको कभी भी कोई क्वेरी हो तो हम आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हैं। और आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन या ब्रेस्ट फीडिंग के रिलेटेड कोई भी साइकोलॉजी के एंगल से कोई भी डाउट हो तो आप अपने मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को डेफिनेटली विजिट कीजिए। हैप्पी ब्रेस्ट फीडिंग वीक। बाय।